सेवा सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली खाकी एक बार फिर भ्रष्टाचार के आरोप में दागदार हुई है। एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने यमुनानगर में बड़ी कार्रवाई करते हुए खेड़ी लखा सिंह चौक के इंचार्ज कमल सिंह को 8,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता जोगिंदर ने एंटी करप्शन ब्यूरो को दी शिकायत में बताया कि वो किराए पर जेसीबी चलाता है। सितंबर 2021 में उन्होंने अंटावा निवासी नरेश से स्विफ्ट डिजायर कार खरीदी थी, जिसके 5,000 रूपये एडवांस नरेश को दिए थे और बाद में 2,00,000 रूपये देकर एफिडेविट बनवा लिया था। बाकी 60,000 रूपये एनओसी बनवाकर दिए जाने के बाद देने का वायदा हुआ था। इसके बावजूद भी उसे एनओसी नहीं दी गई, जिस पर जोगिंदर ने सीएम विंडो पर शिकायत दी थी। वहां से शिकायत सदर यमुनानगर थाने में पहुंची। नरेश को थाने में बुलाया गया, जहां पर उसने 20-25 दिन का समय मांगा था। ये शिकायत दफ्तर दाखिल हो गई थी, इसके बावजूद भी उसे एनओसी नहीं दी गई थी। उल्टा उसके खिलाफ खेड़ी लखा चौकी में नरेश ने कार का पैसा न देने की शिकायत दी थी, जिसको लेकर ही एएसआई कंवल सिंह ने जोगिंदर को चौकी में बुलाया और उसी मामले को निपटाने की एवज में 10,000 रूपये की रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता जोगिंदर कुमार ने जोगिंदर सिंह ने टोल फ्री नंबर है हमारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का, उस पर फ़ोन करके कंप्लेंट दी थी कि एएसआई कंवल सिंह है चौकी इंचार्ज खेड़ी लखा सिंह, जो इसने कुछ दिन पहले 2021 में इसने गाड़ी बेची थी स्विफ्ट डिज़ायर, जोगिंदर ने खरीदी थी इसने नरेश कुमार से, और उस नरेश कुमार ने इसके अगेंस्ट चौकी खेड़ी लखा सिंह में कंप्लेंट दी है कि इसने इसकी बकाया पेमेंट नहीं दी, और उस संबंध में इसने चौकी इंचार्ज ने कंवल सिंह है जो एएसआई, इन्होंने इससे 10,000 रुपये की डिमांड की थी कि भाई आपका मामला ये रफा दफा करवा देंगे, ऐसे ही आप मुझे 10,000 रुपये दे देना, और इन्होंने दबाव बनाकर इस पर जोगिंदर पर 2,000 रुपये से मौका पर ही रिश्वत के ले लिए, और बाकी के लिए इसने 2 दिन का टाइम इसको दिया था, जो आज उच्च अधिकारियों गण के आदेशों पर निरीक्षक अमित कुमार जी के अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई, रेडिंग टीम, और ड्यूटी में स्वतंत्र गवाह और राजपत्रित अधिकारी इनको साथ लेके, 6 गवाह को साथ लेकर के, मुदई को साथ लेके, और चौकी खेड़ी लखा सिंह में जाकर कमल सिंह मुदई ने उसको पैसे दिए, उसने उसे मांगने पर एएसआई कमल सिंह के मांगने पर मुदई ने उसको पैसे दे दिए रिश्वत के, और उसको फिर हमने मौका पर ही रेड हैंडेड पकड़ लिया। ये जोगिंदर है जी, ये गांव दोड़ंग का रहने वाला है जी। आपको बता दें कि मार्च महीने में ये तीसरा पुलिसकर्मी एंटी करप्शन ब्यूरो के हत्थे चढ़ा है। इससे पहले साढ़ोरा एसएचओ और छछरौली थाने का ड्राइवर भी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके साथ ही डीएफएससी विभाग के 2 कर्मचारी भी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ धरे जा चुके हैं। सत्य खबर के लिए यमुनानगर से सुमित ओब्रॉय की रिपोर्ट। सत्य सटीक बेबाक।